नमस्कार, मैं मानसी रंगल आपका स्वागत करती हूं केपी न्यूज 24x7 में। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। बसवा कल्याण उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मल्लम्मा बी नारायण के प्रचार के दौरान सिद्धरमैया ने संवाददाता सम्मेलन में भाजपा पर लगाया निशाना। उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी ने शरणु सलगार के चुनाव प्रचार में लिया भाग, भाजपा उम्मीदवार को जिताने की अपील। KSRTC कर्मचारियों की हड़ताल से लोगों को हो रही है काफी परेशानी। आज 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक अतिरिक्त ट्रेन चलाने का साउथ वेस्टर्न रेलवे ने किया फैसला। हैदराबाद में बढ़ रहा है कोरोना का आतंक, हैदराबाद के बेगम बाजार में दुकानें शाम 5 बजे बंद होंगी। अब समाचार विस्तार से। बसवा कल्याण उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मल्लम्मा बी नारायण के प्रचार के दौरान सिद्धरमैया ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राज्य की जनता भाजपा सरकार से तंग आ चुकी है और चुनाव में जनता भाजपा को सबक सिखाएंगी। सिद्धरमैया ने कहा, उपचुनाव में कांग्रेस की जीत निश्चित है। बसवा कल्याण उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार शरणु सलगर के चुनावी प्रचार में उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी, बेलगवी के खानपुर के पूर्व विधायक अरविंद पाटिल ने बोसगी गांव में प्रचार सभा में केंद्र सरकार और राज्य की भाजपा सरकार के विकास कार्यों से लोगों को अवगत कर भाजपा उम्मीदवार को जिताकर भाजपा को मजबूत करने का आग्रह किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए विकास कार्य और राम मंदिर निर्माण का उदाहरण दिया और मुख्यमंत्री द्वारा किए गए विकास कार्य को भी बताया। ಸರ್ಕಾರ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಅವರ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಚಳುವಳಿ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು ಪ್ರಯಾಣ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಕರೆದು ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸ ಅವರ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದಂತಹ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಹಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳು ತಗೊಂಡು ಓಡಿಸ್ತಾರೆ? ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸರ್ಕಾರಿ KSRTC ನೌಕರರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಸೋದು? ಅವ್ರ ನೆಕ್ಟ್ ಬೈಲೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಇಡಿ ಬಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಪರಿಹಾರ ಅಲ್ಲ. ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳು ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಎಸ್ಪಾ ಹಾಕೋದು ಪರಿಹಾರ ಅಲ್ಲ. ಆ ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಬೇಕು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಕ್ರಾಸಿ ಟೇಬಲ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಸವಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಉಪಚುನಾವ್ ಮೇ ಭಾಜಪಾ ಕೆ ಉಮೇದ್ವಾರ್ शरणु सलगर के चुनावी प्रचार में उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी, बेलगवी के खानपुर के पूर्व विधायक अरविंद पाटिल ने बोसगी गांव में प्रचार सभा में केंद्र सरकार और राज्य की भाजपा सरकार के विकास कार्यों से लोगों को अवगत कर भाजपा उम्मीदवार को जिताकर भाजपा को मजबूत करने का आग्रह किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए विकास कार्य और राम मंदिर निर्माण का उदाहरण दिया और मुख्यमंत्री द्वारा किए गए विकास कार्य को भी बताया। कर्नाटक में KSRTC कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के कारण बस सेवाएं प्रभावित हुई, जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारी वेतन में हैं। वेतन में संशोधन की मांग को लेकर बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। ऐसे में साउथ वेस्टर्न रेलवे कर्नाटक में आज 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक अतिरिक्त ट्रेन चलाएगा। साउथ वेस्टर्न रेलवे के मुताबिक कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल की वजह से अतिरिक्त ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है। KSRTC कर्मचारियों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल के बाद बेंगलुरु विश्वविद्यालय ने 10 अप्रैल तक UG के छात्रों के लिए निर्धारित सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। बेंगलुरु विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर यदापति थया ने कहा, विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह 10 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्थिति का आकलन करने के बाद परीक्षा का निर्णय लिया जाएगा।
तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री ई राजेंद्र ने राज्य में कोरोना स्थिति पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। ई राजेंद्र ने आश्वासन दिया कि राज्य में कोई भी बंद या रात का कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा, लेकिन लोगों से कोविड 19 दिशा निर्देशन का सख्ती से पालन करने की अपील की। దీని పెద్ద లక్ష లక్షలు ఖర్చు అయ్యేటువంటి ఆస్కారం లేదు. అయినప్పటికీ కూడా భయంతో కొంత చేస్తూ ఉన్నారు. ఎక్కడ కూడా భయపడాల్సిన అక్కర్ లేదు. గతంలో కరోనా అంటేనే ఇంటి వాళ్ళు కూడా తొంగి చూడలే, ఇళ్లలో ఉంచుకోలే, చనిపోతే కూడా రక్తాన్ని పంచుకొని ఉన్న వాళ్ళు కూడా రాకుండా ఉన్నారు. కానీ వాళ్ళ అన్ని రకాల పేషెంట్లకైతే అటెండెన్స్ వస్తూ ఉన్నారు. కరోనా పేషెంట్లు కూడా అటెండెన్స్ వస్తూ ఉన్నారు. ఇలా అన్ని హాస్పిటల్లో వాళ్ళ అమ్మకు కరోనా వచ్చింది, కొడుకు వచ్చి పలకరించిపోతున్నాడు, బిడ్డ వచ్చి పలకరించిపోతా ఉంది. అంటే ఈ సంవత్సర కాలంలో ఉన్న అనుభవం మొత్తం కరోనా ఎఫెక్టెడ్ పేషెంట్స్లో మోర్టాలిటీ చనిపోయిన వాళ్ళు 0.5 మాత్రమే, 99.5%. అందరూ క్యూర్ అయ్యి ఇంటికి పోయింది కాబట్టి ఆ ధైర్యం ఆ విశ్వాసం వాళ్ళ కళ్ళ ముందుంది కాబట్టి వాళ్ళు ఎక్కడ కూడా భయం లేకుండా ఇది దీంతో సహజీవనం తప్పదని, అన్ని రోగాల్లాగానే ఇదొక రోగాల్లాగా ఉండే ఆస్కారం ఉంటుందని, కాబట్టి భయపడితే అయి కాదని చెప్పి ఇవాళ తెలుసుకొని వాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారు. ఇలా ఇంత కేసులు పెరుగుతున్నప్పటికీ కూడా డెత్ రేట్ తక్కువనే ఉందని చెప్పి మనం చేస్తున్నాం. అయినా ప్రజలకు మా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే ప్రభుత్వ పరంగా మాస్కులు తప్పకుండా ధరించే ప్రయత్నం చేయండి. కొంత అవసరమైతే మాత్రమే ఫంక్షన్లకు పోయే ప్రయత్నం చేయండి. అవసరమైతే మాత్రమే ప్రయాణం చేసే ప్రయత్నం చేయండి. కొద్ది రోజుల వరకు ఇది ఈ సెకండ్ వేవ్ ఇంకా కొనసాగేటువంటి ఆస్కారం ఉంటుందని చెప్పి శాస్త్రవేత్తలు కానీ డాక్టర్లు హెచ్చరిస్తున్న సందర్భంలో ఎవరికి వాళ్ళుగా మీరు కొంత జాగ్రత్త తీసుకోమని చెప్పి కోరుతా ఉన్నా. ఇక్కడ లాక్డౌన్లకు ఆస్కారం లేదు, కర్ఫ్యూలకు ఇప్పటి వరకు ఆస్కారం లేదు, అంత పెద్ద భయపడేసినటువంటి అక్కడ అంతకంటే కూడా లేదు. ఇది మామూలు అన్ని రోగాల్లాగానే ఇది ఒక రోగంగా సంవత్సర కాలంగా మన కళ్ళ ముందు కనబడతా ఉంది కాబట్టి దీని మీద ఇంకా బెంబేలెత్తాలి చక్కెర కానీ భయపడాల్సిన అక్కర కానీ అయినా కానీ ఇంకేదో జరుగుతున్నటువంటి అక్కర కానీ లేదని చెప్పి మనం చేస్తా ఉన్నా. ఇప్పటికే చాలా మందికి హర్డ్ ఇమ్యూనిటీ వచ్చిందని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు. లక్షల మందికి వ్యాక్సినేషన్ ప్రోగ్రామ్ కూడా కొనసాగుతూ ఉంది కాబట్టి ఇంకా ఈ వ్యాక్సిన్ని మరింత ఇంటెన్సిఫై చేసి ఇవాళ అందరికీ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తామని చెప్పి మనవి చేస్తూ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అంబులెన్సులు కావచ్చు, మందులు కావచ్చు, మ్యాన్ పవర్ కావచ్చు, ఆక్సిజన్ కావచ్చు, ట్రీట్మెంట్ కావచ్చు, అన్నిటి విషయంలో 24/7 అప్రమత్తంగా ఉంటుందని చెప్పి మనవి చేస్తున్నా. మా మొత్తం వైద్య ఆరోగ్య శాఖ పనిచేస్తుంటే ఎవరు కూడా हैदराबाद के सबसे प्रसिद्ध और व्यस्तम बाजार बेगम बाजार में कोरोना के लगभग 100 मामले के सामने आने के बाद राज्य के इस महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र में व्यापारियों की चिंता की लहर चल पड़ी है, जिसके बाद बेगम बाजार में दुकानें खुलने का समय बदल गया है। दुकानें शुक्रवार से सुबह 9 बजे खुलेंगी और शाम 5 बजे बंद हो जाएंगी। खरीदारों और व्यापारियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार की सुबह कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज ली है। खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर बताया कि उन्होंने आज दिल्ली एम्स में वैक्सीन की दूसरी डोज ली। वैक्सीन की पहली डोज पीएम मोदी ने 1 मार्च को ली थी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने वैक्सीन लेने की वर्तमान योग्यता रखने वालों से वैक्सीन लेने की अपील करते हुए कहा कि टीकाकरण हमारे पास वायरस को हराने के कुछ तरीकों में से एक है। पीएम ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन ली है। वायरस को हराने में वैक्सीनेशन हमारे पास मौजूद कुछ तरीकों में से एक है। लेते एक छोटा सा ब्रेक। आपके अपने शहर, राज्य, देश और दुनिया भर में क्या कुछ हो रहा है जानने के लिए देश प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर रहने के लिए और सुबह से लेकर रात तक आपके मनोरंजन के लिए कानून से जुड़ी समस्याओं के उपाय जानने के लिए और हेल्थ से जुड़ी बातों को जानने के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज 24x7। वीके प्राइमरी एंड हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम बीए बीकॉम बीएड बीदर शहर में बच्चों की बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र, जहां विशाल कक्षाओं और सुखद वातावरण में शिक्षा प्रदान की जाती है। कंप्यूटर शिक्षा का उचित प्रबंध और मॉडर्न लेबोरेटरी की सुविधा के साथ साथ
सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का पूरा मौका दिया जाता है। एक्सपर्ट्स टीचर्स के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था सचिव दिलीप कुमार कमठानी की देखरेख में और वैजनाथ कमठानी की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और कई पुरस्कारों से सम्मानित शैक्षिक केंद्र वीके प्राइमरी एंड हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम बीए बीकॉम बीएड विद्यानगर बिदर। फोन नंबर 855-000-1972। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है, देखते हैं आगे के समाचार। नेता और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की भतीजी और अखिलेश यादव की चचेरी बहन संध्या यादव बुधवार को बीजेपी में शामिल हो गई। संध्या यादव ने मैनपुरी से जिला पंचायत चुनाव का पर्चा भर दिया। संध्या अभी तक समाजवादी पार्टी के टिकट पर मैनपुर जिले पंचायत की अध्यक्ष थी। संध्या मुलायम सिंह की बड़े भाई अभय राम यादव की बेटी और समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव की बहन है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच गुरुवार को मध्य प्रदेश के सभी शहरी इलाकों में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। नई घोषणा के अनुसार राज्य के शहरी इलाकों में शनिवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगा रहेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में जिन शहरों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उनके लिए उचित कदम उठाया जाएगा। कांग्रेस नेता और अभिनेत्री नगमा ने बुधवार को कहा कि कोविड-19 जांच में उनका संक्रमित होने की पुष्टि हुई है और फिलहाल वह होम क्वारंटाइन में हैं। अभिनेत्री नगमा ने ट्विटर पर लिखा कि 2 अप्रैल को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लेने के बाद जांच रिपोर्ट पॉजिटिव निकली है। नगमा ने अपने प्रशंसकों से टीका लगवाने के बावजूद सतर्क रहने की अपील की। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बसवा कल्याण उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मल्लम्मा बी नारायण के प्रचार के दौरान सिद्धरमैया ने संवाददाता सम्मेलन में भाजपा पर लगाया निशाना। उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी ने शरणु सलगार के चुनाव प्रचार में लिया भाग, भाजपा उम्मीदवार को जिताने की अपील। केएसआरटीसी कर्मचारियों की हड़ताल से लोगों को हो रही है काफी परेशानी। आज 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक अतिरिक्त ट्रेन चलाने का साउथ वेस्टर्न रेलवे ने किया फैसला। हैदराबाद में बढ़ रहा है कोरोना का आतंक, हैदराबाद के बेगम बाजार में दुकानें शाम 5 बजे बंद होंगी। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24x7। तब तक के लिए धन्यवाद।